हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमा चंद्रा ब्लॉग। चलिए आज आपको हम दिखाएंगे वाटर चेस्ट नट, जिसको सिंघाड़ा बोलते हैं, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसमें आज हम बताएंगे सिंघाड़े के कितने यूज हैं, कितना फ़ायदेमंद है सिंघाड़ा, हमको सबको खाना चाहिए क्योंकि सीजन में लोगों को खाना चाहिए। ये रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन से भरपूर होता है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम ना, पोटेशियम, मैग्नीज और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं इसमें। ये ग्लूटन फ्री होता है, इसलिए व्रत में फास्ट में खाने को बताया जाता है, बहुत हेल्दी होता है। और सिंघाड़े एनीमिया में, गले के दर्द में, मतलब थायराइड में बहुत फ़ायदा करता है, थायराइड में खाना चाहिए इसलिए सिंघाड़े का आटा खाना चाहिए लोगों को, सर्दियों में खाना है। यूरिनरी डिसऑर्डर को सही करता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है सिंघाड़े, बहुत सारे यूज हैं। और सिंघाड़े का यूज ना आयुर्वेदिक दवाइयों में भी किया जा रहा है अभी, आँखों के लिए अच्छा होता है। B6 और B1 भी होता है इसमें, लॉस ऑफ विजन आँखों की, मतलब आई साइड को सही करता है। तो फाइनली सिंघाड़ा बहुत अच्छा है, दांतों के लिए भी अच्छा है, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है, कैल्शियम होता है, तो रिच इन मिनरल्स एंड एवरीथिंग, 100% बेनिफिशियल है सिंघाड़ा, तो सबको खाना है। और मैं दिखा रही हूँ इसमें, देखिए छीलना कैसे है सिंघाड़े को, ग्लूटेन फ्री होता है वैसे, इसीलिए किसी किसी को ना वो आटा गेहूं वाला नुकसान देता है, मुझे बहुत गैस बनती है गेहूं के आटे से। और देखिए छीलना कैसे है, कट इनटू टू पीसेज एंड दबा दीजिए, इसको निकाल दीजिए। छीलने की वजह से बहुत से लोग नहीं खाते हैं, हाथ काले हो जाते हैं इसमें बॉयल्ड करें। और बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा भी नुकसानदायक है। ओके, तो सबके लिए अच्छा है, खाइए और मज़े करिए। और देखिए छील गया ना, ये देखिए बड़े बर्तन में रखेंगे थोड़ा सा ना, आराम से छीलता तो निकल जाता है बाहर, डोंगे में रखे तो अच्छा रहेगा। और देखिए इसका छिल गया ये, और ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। नींद के लिए भी बहुत अच्छा है, रात में अपनी डाइट को मतलब रिप्लेस कर सकते हैं हम डिनर को सिंघाड़े से, है ना, दूध के साथ ले सकते हैं। बालों के लिए अच्छा है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है इसमें, और बहुत सारी चीज़ें गूगल पर पता चल जाएंगी। बट मैं खाती हूँ सीजन में ज़रूर, मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आती हूँ। और कैसे बॉयल कर रहा है, बॉयल तो सबको पता है वैसे, इसको भूनते भी हैं, इसको रोस्ट भी करते हैं। मैं तो इसको माइक्रोवेव में भी रख देती हूँ, 2-3 मिनट के लिए रखती हूँ, अच्छा हो जाता है ये। और देखिए हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, सबको खाना है, दांतों के लिए भी अच्छा है। और ये पानी में खाया जाता है, सर्दियों में अधिकतर मिलता है, अधिकतर सर्दियों में, अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में मिलता है। और इसका टेस्ट तो बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है, तो सबको अच्छा लगता होगा। एनीमिया में खून भी बढ़ाता है, जॉइंटिस, मतलब सारी बीमारियों में फ़ायदा करता है। तो वाटर चेस्टनट इज वेरी बेनिफिशियल फ्रूट, तो हमें सबको खाना है। और देखिए कैसे छीलना है, छीलने से घबराना नहीं है, अगर नहीं है तो देखिए हमारे चैनल पर, देखिए कैसे छीलना है। दो पार्ट मैंने, फेस नहीं दिख रहा ना इसमें, देखिए खाली मुझे सिंघाड़ा ही दिखाना था तो इस वजह से। और देखिए इसको खाइए, इसमें काला नमक डाल के चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन चटनी के साथ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मैं चाय के साथ ले लेती हूँ इसको। ये देखिए ये शकरकंदी, और मैक्स को इतना पसंद था ना, मैक्स का वेट भी, जब से मैक्स ये सब चीज़ें खा रहा है, फाइबर वाली और लो कैलोरी है ये, लो इन कैलरी, पेट भी भर जाता है और कैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैक्स भी खाने लगा, मैक्स का वेट भी बढ़ गया, 2 किलो 30 kg का हो गया मैक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।